हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं थियोडोलाइट चैप्टर में ट्रैवर्सिंग टॉपिक पर। तो हम जानेंगे आज की क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले ही जान लेते हैं। पूरी क्लास में हम जानेंगे कि थियोडोलाइट से ट्रैवर्सिंग किस तरीके से कर सकते हैं और उसमें जो एरर आती है वो कौन सी एरर आती है और उसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं, यानी बाई ट्रांजिट रूल। दूसरा हमारा कंपास ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं, कंपास द्वारा, दिक सूचक द्वारा हम अगर चक्रमण करें तो हम किस किस तरीके से ट्रैवर्सिंग करते हैं, तो उसके लिए हमारा है बोडिस रूल। तो ये हमारे इसमें आने वाली एरर्स और इसको किस किस तरीके से कर सकते हैं, कब हम बोडिस रूल यूज करेंगे, कब नहीं करेंगे, कब ट्रांजिट रूल यूज करेंगे, कब नहीं करेंगे, इससे रिलेटेड कंपटीशन में एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, तो उसके लिए हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं तो आपको जनरल इंट्रोडक्शन थोड़ा सा यही बता दूं इन शॉर्ट कि कंपास ट्रैवर्सिंग और थोड़ा ट्रैवर्सिंग में दोनों वर्ड में कॉमन कौन सा वर्ड आ रहा है, ट्रैवर्सिंग। तो आप जान लीजिए ट्रैवर्सिंग क्या होता है। देखिए, ट्रैवर्सिंग का मतलब है यहां पर चक्रमण और ये हमारा दो प्रकार का होता है। ट्रैवर्सिंग हमारा कितना है, दो प्रकार का है। इन शॉर्ट शॉर्ट हम समझेंगे क्योंकि हम टॉपिक तो दूसरा ही पढ़ने जा रहे हैं, अभी आते हैं उस टॉपिक पर इसका थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन पता होना जरूरी है। तो ट्रैवर्सिंग हमारी होती है क्लोज ट्रैवर्स और दूसरा हमारा होता है ओपन ट्रैवर्स। अभी क्लोज ट्रैवर्स हमारा दो प्रकार का है, क्लॉकवाइज ट्रैवर्स, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सी का मतलब है क्लॉकवाइज, और एएनटी का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, और ये है क्लॉकवाइज ट्रैवर्स, ये है एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स। समझते हैं जरा, देखें ट्रैवर्स का मतलब है चक्रमण, यानी हमने वर्क करना स्टार्ट किया यहाँ से, ए पॉइंट को ही है। अगर जिस पॉइंट से सर्वे स्टार्ट किया जाए ट्रैवर्सिंग का और उसी पॉइंट पर हम लाकर उसे फिनिश कर दें तो बनने वाला ट्रैवर्स हमारा क्या कहलाएगा, क्लोज ट्रैवर्स कहलाएगा। और इसकी अगर डायरेक्शन कैसे है, ए बी सी डी ई, इसकी डायरेक्शन कैसे है, एंटी क्लॉक, तो हम कहेंगे इसे एंटी क्लॉक वाइज क्लोज ट्रैवर्स। क्या कहेंगे इसे हम, एंटी क्लॉक वाइज क्लोज ट्रैवर्स। लेकिन अगर इसी ट्रैवर्स की कुछ इस तरह से होता, ट्रैवर्स ऐसे होता, ये हमारा ट्रैवर इस तरह से होता ए बी सी और डी, तो यहां पर हमारा कौन सा है, क्लॉक वाइज क्लोज ट्रैवर्स, यानी कि जिस बिंदु से सर्वे स्टार्ट किया जाए उसी पर लाकर फिनिश कर दिया जाए तो क्लोज ट्रैवर्स, और उसकी वर्किंग डायरेक्शन एंटी क्लॉक हो तो एंटी क्लॉक वाइज क्लोज ट्रैवर्स, और अगर क्लॉक वाइज हो तो क्लॉक वाइज क्लोज ट्रैवर्स उसे हम कहेंगे। दूसरा हमारा ओपन ट्रैवर्स, अगर जिस बिंदु सर्वे स्टार्ट किया गया उसी पर लाकर खत्म कर रहे हैं तो क्लोज ट्रैवर्स, और नहीं खत्म हो पा रहा है तो ओपन ट्रैवर्स, सिंपल है, इसमें कोई एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज नहीं होगा। चलिए, इन शॉर्ट हमने जान लिया कि ट्रैवर्स क्या होते हैं, अब बात करते हैं आगे वाले आने वाले टॉपिक्स पर, और वो टॉपिक हमारा कंपास ट्रैवर्सिंग। समझते हैं जरा कंपास ट्रैवर्सिंग क्या है। देखें, कंपास ट्रैवर्सिंग में हम कंपास यूज करेंगे, यानी अभी जो हमने, सपोज कीजिए मैंने यहां पर एक ट्रैवर्स बनाया है, एक हमने ट्रैवर इस तरीके से बनाया, तो ये हमारा जो ट्रैवर्स है वो हमने कुछ इस तरीके से हमने बनाया यहाँ पर ऐसे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा ट्रैवर्स हो गए, क्लॉक वाइज बट क्लोज ट्रैवर्स। तो हमने यहाँ पर इसके, इसको बनाने के लिए जो हमने बियरिंग्स ली हैं, जो एंगल्स पड़े हैं, वो हमने किसकी मदद से पढ़े हैं, वो सारे पढ़े हमने कंपास की मदद से। तो हम ऐसा सेकेंड ईयर लेबलिंग, सेकेंड ईयर वाली सर्वे बुक में हम पढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, कंपास से ट्रैवर्सिंग के लिए हमने कंपास यूज़ किया, लेकिन इस कंपास में आपको याद रखना है कि आप एंगल किससे मेजर कर रहे हैं, एंगल मेजर कर रहे हैं आप किससे, कंपास से। यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है, हम एंगल किससे मेजर कर रहे हैं, कंपास से, लेकिन लाइन का लीनियर मेजरमेंट आप कैसे ले रहे हैं, लीनियर मेजरमेंट आप ले रहे हैं टैप से। लीनियर मेजरमेंट आप क्या ले रहे हैं, टैप से ले रहे हैं, यानी कि चैन से या टैप से आप ले रहे हैं लीनियर मेजरमेंट। तो इसमें हमें समझने वाली बात यह है कि जब हम फील्ड में गए और फील्ड में जाने के बाद हमने अपनी एक फील्ड बुक ली, और फील्ड बुक में आप सपोज कीजिए हमने फील्ड बुक ली और फील्ड बुक में आपने क्या किया, ये ट्रैवर्स बना के ले आए और एंगल नाप के ले आए और हमने लीनियर मेजरमेंट हमने यहाँ पर ले ली। समस्या क्या आई, जब हम लैब में आए और लैब में हमने इसको पूरा ट्रैवर्स को बनाना चाहा इस एंगल के अकॉर्डिंग और इस लीनियर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, तो हमने क्या पाया कि हमने जो ए बी सी डी ट्रैवर्स करके लाए थे तो वो ट्रैवर्स हमारा जिस बिंदु से स्टार्ट हो रहा है उस बिंदु पर आकर फिनिश नहीं हुआ।
तो इसका मतलब ये हुआ कि फिनिश अगर नहीं हुआ तो जिस फिनिश तो हो जाना चाहिए था यहाँ पर, तो इस पॉइंट को इससे मिल जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं मिल पाया, तो इसको हम कहते हैं क्लोजिंग एरर। क्या कहते हैं? क्लोजिंग एरर। आप याद रखिए कि जब भी हम किसी भी ट्रैवर्स को जिस बिंदु से स्टार्ट करते हैं उस बिंदु पर वो ना खत्म किया जा सके, तो बचने वाली जो एरर है उसे क्या कहते हैं? हम क्लोजिंग एरर कहते हैं। अब जानते हैं कारण क्या हुआ है क्लोजिंग एरर आने का, और इनमें से ज्यादा जिम्मेदार कौन है इस क्लोजिंग एरर का, ध्यान देना जरा। पॉइंट नंबर वन इंपॉर्टेंट क्या है? पॉइंट नंबर वन, हमने यहां पर एक ट्रैवर्स बनाया, ट्रैवर्स बनाने के बाद हम यहां पर ले आए और हमने प्लॉटिंग करके जब हमने लैब में देखी तो हमने क्या देखा, जिस बिंदु से हमने सर्वे स्टार्ट किया था अगर हम नापी हुई डिस्टेंस सही होती और एंगल नापे हुए बिल्कुल सही होते तो 100% हमें ये क्लोजिंग एरर देखने को नहीं मिलती। क्लोजिंग एरर ये इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं या तो एंगल मेजरमेंट में या फिर लीनियर मेजरमेंट में कोई ना कोई इफेक्ट पड़ा है, तभी जाके ये। लेकिन दो चीजें यहां पर, दो में से ज्यादा जिम्मेदार कौन है इस चीज का, उसको हम समझेंगे। देखिए, हम जानते हैं कंपास में एक मैग्नेटिक नीडल होती है, पिछले लेक्चर हम पढ़ चुके हैं कंपास सर्वे और प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में। तो जो मैग्नेटिक नीडल है वो मैग्नेट के आधार पर वर्क करती है, तो लोकल अट्रैक्शन की वजह से वो ज्यादा डिफ्लेक्ट हो सकती है। लेकिन हम टैप या चैन से एक्यूरेट मेजरमेंट ले रहे हैं, एक से बी का, बी से सी का, सी से डी का, या डी से ई का और ई से ए का, लेकिन हमें ये पता नहीं चल पा रहा कि जहां हम खड़े हैं क्या वहां लोकल अट्रैक्शन है या नहीं है। जब हम प्लॉटिंग करेंगे, जब क्लोजिंग एरर नहीं जब आएगी तभी हमें पता चल पाएगा या तो लीनियर मेजरमेंट एरर में थी या फिर कंपास से और हमने रीडिंग्स पढ़ी हैं, जो हमने बियरिंग्स पढ़ी हैं, फॉर बियरिंग, बैक बियरिंग, जो भी आप पढ़ के आए हैं उनमें कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, और मिस्टेक होने का कारण क्या था? लोकल अट्रैक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि कंपास ट्रैवर्सिंग में जो क्लोजिंग एरर आई है, तो क्लोजिंग एरर के लिए ज्यादा रेस्पॉन्सिबल कौन सा है? ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है कंपास। क्या रेस्पॉन्सिबल है कंपास? इसका मतलब ये है कि एंगुलर मेजरमेंट में ज्यादा प्रॉब्लम आई है यहां पर। तो यहां पर हमें याद क्या रखना है, पॉइंट इंपॉर्टेंट नंबर वन मैं यहां पर लिख रहा हूं कि कंपास ट्रैवर्सिंग में एरर किसकी वजह से आई है? एरर के लिए एंगुलर मेजरमेंट ब्रैकेट में लिख लें कंपास से ही ली हमने एंगुलर मेजरमेंट, कंपास ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है यानी ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है, जबकि यानी हम ये भी कह सकते हैं कि एरर कम, एंगुलर एरर ज्यादा है और कम कौन सी है? लीनियर एरर। और जबकि लीनियर मेजरमेंट में एरर हमारी कैसी होती है? कम है। तब देखिए, आपने एक बात समझ में आ गई यहाँ से अब तक कि कंपास ट्रैवर्सिंग अगर हम कर रहे हैं तो कंपास ट्रैवर्सिंग में एंगुलर एरर ज़्यादा है जबकि लीनियर एरर कम है। तो इसको सुधारने के लिए आप किस विधि का यूज करोगे? हम उस विधि का यूज करेंगे जो किसमें सुधार ज़्यादा कर देती हो? एंगुलर मेजरमेंट में। किसमें कम सुधार करती हो? लीनियर मेजरमेंट में। क्यों? क्योंकि ये तो ज्यादा एरर नहीं है इसमें कम ही एरर है। ज्यादा किसमें एरर है? ज्यादा एंगुलर मेजरमेंट में। तो यहीं से हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें समझना ये पॉइंट है कि कब हम बोडिस मेथड यूज कर रहे हैं, ये मैं बताना चाह रहा हूं। तो बोडिस मेथड तब यूज किया जाएगा, यानी ये एक ऐसा मेथड है जो एंगुलर मेजरमेंट में ज्यादा करेक्शन कर देगा लेकिन लीनियर मेजरमेंट में कम ही करेक्शन करता है। तो बोडिस मेथड में हम क्या करते हैं, कंपास ट्रैवर्सिंग अगर हम कर रहे हैं तो एरर ज्यादा होगी एंगुलर, कम होगी लीनियर। अब मेथड वो यूज करेंगे इसकी एरर को दूर करने के लिए, क्लोजिंग एरर को दूर करने के लिए, जो एंगुलर एरर में ज्यादा करेक्शन कर दे, एंगुलर एरर पर ज्यादा फर्क पड़े और लीनियर मेजरमेंट पहले से ठीक है उस पर कम इफेक्ट पड़े, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बोडिस रूल। तो बोडिस रूल के लिए मैं यहां पर एक पॉइंट यहां लिख देता हूं कि बोडिस रूल हम कब यूज करते हैं, जब ट्रैवर्स में एंगुलर मेजरमेंट में ज्यादा करेक्शन जबकि लीनियर मेजरमेंट में
जबकि लीनियर मेजरमेंट में, जबकि लीनियर मेजरमेंट में कम करेक्शन की आवश्यकता हो तब हम क्या करते हैं, आवश्यकता हो तब बोडिच रूल यूज करते हैं। तब क्या करते हैं, हम बोडिच रूल यूज करेंगे, बोडिच रूल को यूज करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कंपास में एंगल ज़्यादा प्रीडोमिनेंट फैक्टर है, ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसी को ठीक करेंगे। तो वो मेथड कौन सा, हमारा बोडिच मेथड है। अब आपने एक और बात याद रखनी है कि जो हमारी लीनियर मेजरमेंट आ रही है उसमें जो एरर है, लीनियर मेजरमेंट में जो हमारी एरर है वो होती है ई इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल, लेंथ ऑफ लाइन, और जबकि एंगुलर मेजरमेंट में, एंगुलर मेजरमेंट के लिए ये कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ई हमारी होती है 1/ अंडर रूट एल प्रोपोर्शनल टू। ये दोनों ही पॉइंट हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीन पॉइंट अब याद रखने वाले यहाँ पर ये हो गए कि कंपास में अगर ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप तीन चार बातें याद रखेंगे कि अगर आप कंपास ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं तो आपको एंगुलर मेजरमेंट ज़्यादा इनकरेक्ट होगा, ज़्यादा गलती होने के चांसेस इसमें है, इसमें कम है। तो कंपास ट्रैवर्सिंग में एरर एंगुलर मेजरमेंट ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है जबकि लीनियर मेजरमेंट कम है। दूसरा, इसको ठीक करने के लिए हम वही मेथड यूज करेंगे जो हमें ज़्यादा एंगुलर में करेक्शन करवा दे। तो बोडिच रूल ऐसा रूल है जो उसके एंगल में ज़्यादा करेक्शन करेगा जबकि लीनियर मेजरमेंट में कम एरर करेगा, कम करेक्शन करेगा। और लीनियर मेजरमेंट हमारी जो एरर है वो कैसे किसके समान पाती है, लंबाई के अंडर रूट एल लिख दिया मैंने यहाँ पर, एंगुलर मेजरमेंट इज प्रोपोर्शनल टू 1/ अंडर रूट एल। तो ये चार पॉइंट हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के यहाँ तक आ गए। चलिए आगे बात करते हैं बोडिच रूल कैसे एलिमिनेट करता है, इसका प्रोसेसिंग क्या है। हमने क्या किया, डेटा लेके आए थे फील्ड बुक में, हमारा डेटा है, एंगल है, लेंथ लिखी हुई है, हमने प्लॉट करके देखा उसको बाय मिनी ड्राफ्टर। तो हमने क्या एंगल मेजरमेंट और लीनियर मेजरमेंट के आधार पर जब हमने उसे प्लॉटिंग किया, हमने क्या पाया कि उसके अंदर एक एरर निकल के आई, और ये जो एरर आई है निकल के इसको हम कहते हैं क्लोजिंग एरर। इस क्लोजिंग एरर को दूर करने के लिए हमने यूज किया बोडिच मेथड। बोडिच मेथड क्या करेगा, एंगल में ज्यादा करेक्शन करेगा और लीनियर मेजरमेंट में कम करेक्शन करेगा, क्योंकि ऑलरेडी लीनियर मेजरमेंट में एरर कम है, हमें एंगल में ज्यादा एरर है तो उसको ज्यादा करेक्ट करना है। तो हमने इस प्रोसेस करने के लिए क्या करते हैं, आप ए से बी तक एक सीधी सीधी लीनियर लाइन खींचिए, आप सी से लीनियर लाइन खींचेंगे। अब इस लाइन को खींचने के बाद में ए से बी तक की डिस्टेंस भरें, आप यहां पर कट कर दें, लेकिन ध्यान रखेंगे स्केल मान लेंगे, जैसे कि 10 मीटर बराबर हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर, इस तरह से एक स्केल मान लेंगे, यहां से यहां तक डिस्टेंस लेंगे, स्केल में चेंज करके यहां कट कर देंगे, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से ई, ए डैश तक आ जाएंगे बराबर हम, और हमने कट कर देंगे सारे पॉइंट्स। फिर क्या करेंगे, ये स्केल के अकॉर्डिंग करना है, लेकिन अब इसके बिल्कुल पैरेलल, यानी जो एरर हमारी है, ये जो आपको एरर दिखाई दे रही है ये वाली, ये जो एरर हमें समाप्त करनी है, इस एरर जो क्लोजिंग एरर आई है यहाँ पर, इस एरर को एज इट इज इसके बिल्कुल पैरेलल यहाँ लाकर एक लाइन खींच देंगे, यहाँ पर हम ऐसे एक लाइन खींच देंगे। अब जब यहाँ पर आप लाइन खींच देंगे तब क्या करेंगे, आप इसको आप बिना स्केल के मापने पर जितनी है, जितने भी सेंटीमीटर की है, उसको डायरेक्ट खींच देंगे यहाँ पर, और इन पॉइंट्स को आप क्या कर देंगे, यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर मिला देंगे ऐसे। हमने ये पॉइंट मिला दिया, अब क्या करना है हमें, अब हमें इस लाइन के पैरेलल सारे पॉइंट्स यहाँ पर हम मिला देंगे ऐसे, सारे पॉइंट्स यहाँ पर हम इस तरह से मिला देंगे, और इसी के पैरेलल, इसी लाइन के पैरेलल हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारे पॉइंट्स इस तरह से हम खींच देंगे ऐसे। अब देखें जरा, यहाँ पर बी पॉइंट पर जितनी डिस्टेंस है यहाँ पर कट कर लेंगे, सी पॉइंट पर जितनी डिस्टेंस ही आई है यहाँ पर कट कर लेंगे, डी पॉइंट पर जितनी डिस्टेंस आई है उसे यहाँ कट कर लेंगे, ई पॉइंट पर जितनी डिस्टेंस ही आई है उसे यहाँ कट कर लेंगे, और ए पॉइंट पर जितनी डिस्टेंस आई है, अब ये डिस्टेंस हमारी यही वाली होगी आ गई यहाँ पर। अब आप क्या करेंगे, नया ट्रैवर्स बना देंगे ऐसे, जो मैं डार्क लाइन कर रहा हूँ यहाँ पर, ये इन सभी पॉइंट्स को आप क्या कर देंगे, मिला देंगे। ध्यान रखेंगे इसके पैरेलल ये वाले पॉइंट्स खींचे थे हमने, और जब मिला देंगे तो आप लास्ट में क्या पाएंगे कि एरर अब ख़त्म हो जाएगी, हमारा इस तरीके से कुछ मिल जाएगा। तो ये जो नया ट्रैवर्स बना है ए बी सी डी और ई और ए, ये हमारा करेक्ट ट्रैवर्स है, और इसमें क्या हुआ है, इसमें हुआ ये है कि लेंथ में करेक्शन
बहुत ही कम हुआ है, पर एंगल में करेक्शन बहुत ही ज़्यादा हुआ है। तो ये था हमारा बोडिच रूल और कंपास ट्रैवर्सिंग की हम बात कर रहे हैं। कंपास ट्रैवर्सिंग में इंटरनल एंगल चेक करने के लिए हम याद रखेंगे ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरनल एंगल अगर आपको चेक करना है, इंटर एंगल अगर आप चेक करेंगे तो फार्मूला लगाएंगे 2n माइनस 4 इंटू 90, ये आप जानते भी होंगे। और एक्सटर्नल एंगल को अगर आप देखेंगे, एक्सटर्नल एंगल अगर आप चेक करेंगे तो हमारा फार्मूला आता है 2n प्लस 4 इंटू 90। यहाँ पर n क्या है, भुजाओं की संख्या यानी नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या यहाँ पर n है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में सिर्फ हमारा लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बड़े लेक्चर बच्चे देखते नहीं हैं, पता नहीं उन्हें क्या लगता है कि क्या पढ़ा दिया होगा यहाँ पर, बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो गया। लेकिन इसी को देखते हुए बहुत छोटे छोटे लेक्चर बनाने भी पड़ते हैं, स्टूडेंट्स देखते नहीं हैं। तो इसके जस्ट अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांजिट रूल। तो ये जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं यहाँ तक, तो इसको आपको इसके जस्ट बाद आप अगला लेक्चर तुरंत देखिए, क्योंकि उसमें भी हम कंपटीशन रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर बात करेंगे। चार पॉइंट्स इसमें निकल के आए हैं, चार पांच पॉइंट उसमें से भी निकल के आएंगे। तो ये आपके लेक्चर हमारे कैसे लग रहे हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लगातार वीडियोस को कंप्लीट देखें। आप ये नहीं सोचें कि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने में जाहिर सी बात है किसी को कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। जब अब बोलेंगे तो टाइम तो लगेगा ही उसमें, तो 10-20 मिनट 30 मिनट की वीडियो अगर बन रही है तो विदाउट स्किप करें इस चैनल को, तो आप जरूर देखिए, क्योंकि आप एक बार देखें क्या पता आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल जाएं। थैंक यू।